नमस्कार, मैं प्रिया बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब के गुरदासपुर की है, जहां के हल्का डेरा बाबा नानक के गांव पट्टे में अकाली समर्थक के कत्ल के मामले में इंसाफ ना मिलता देख पीड़ित परिवार सदस्यों के द्वारा मृतक की लाश बटाला चौक में रखकर चक्का जाम व रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अकाली दल के यूथ नेता सुखजिंदर सिंह लगा की अगुवाई में प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित परिवार का कहना था कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। मृतक रक्षपाल के परिवारजनों का कहना था कि उनका परिवार अकाली दल का समर्थक है और गांव के ही कांग्रेसी समर्थक सुरजीत सिंह सुखा और लाली ने उनके बेटे रक्षपाल पर खेतों में जाते हुए हमला किया। उनको जान से मारने के लिए उन पर फायरिंग की गई और गोली रक्षपाल के गर्दन पर लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई और पुलिस सियासी दबाव के चलते उल्टा उन्हीं पर क्रॉस केस दर्ज करने में लगी हुई है। रक्षपाल के परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वे ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं रक्षपाल के परिवार के साथ धरने पर बैठे अकाली दल के यूथ नेता सुखजिंदर सिंह लगाह ने बताया कि मृतक अकाली दल से संबंध रखता था और पंचायती चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते बीते दिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रक्षपाल सिंह पर रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए हमला किया, जिससे मौके पर ही गोली लगने से रक्षपाल की मौत हो गई। सुखजिंदर सिंह लगा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मंत्री की शय पर इस नौजवान का कत्ल किया गया है और अब उसी सियासी दबाव के चलते पीड़ित परिवार को इंसाफ तक नहीं दिया जा रहा। वहीं धरने में मौके पर पहुंचे डीएसपी बटाला प्रहलाद सिंह के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन उठा लिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी बटाला ने बताया कि 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी अभी तक फरार है। उनको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से विकी मलिक की खास रिपोर्ट। देखो जी, ये लड़का साड़ी पार्टी ना संबंधित सीगा श्रोमणी अकाली दल दे नाल, दूजे पासे कांग्रेस पार्टी दे गुंडे ने, बड़ा वधिया नौजवान ये लड़का सीगा अकाली दल दे नाल, ये परिवार पिछले 40-50 साल तो ने, ते इस परिवार नू सिर्फ ये दबाउणा चाहुंदे सीगे, जिस दे तहत ये नौजवान मुंडा विचारा काम करदा सीगा पिंड दे विच, अकाली दल दे लोकां दी मदद करदा सीगा, ते कल ये अपने खेतां तों घर नू आ रिहा सीगा जदों कांग्रेस दे जिहड़े गुंडे ने उन्होंने सारिया लोगों के असले जमा ने थाणिया दे विच इस परिवार नू उस परिवार नू इन्होंने असला भी थाणिया तो लैके दिता। उन्होंने रोक के इनू पहली गोली इस नौजवान के मोढ़े के उत्ते मारी, जदों नौजवान के मोढ़े से वजी दूजी गोली और मूँह के उत्ते मारी जिहड़ी ठोडी ते उरी गर्दन के उत्ते लगी, मौके ते उरी मौत हो गई। ये मैं इहो ही इस परिवार के नाल असी सारी पार्टी खलोते हाँ, बहुत धक्का होया। दो परिवार के मुंडे सिगे, एक लड़के की पहलो 2 साल पहलों एक्सीडेंट के डैथ हो गई, ये नौजवान सिगा जिहड़ा सारे घर परिवार को चला रहा सिगा, उरे भी बच्चों का अपने बच्चों का भी ध्यान रख रहा सिगा। अज इस घर का कांग्रेस पार्टी के गुंडिया ने, मैं कहांगा जिहड़ा विधायक है साडा सुखी रंधावा, उरी शह दे उत्ते इस घर का चिराग बुझा दिता है। पुलिस की यह कार्रवाई है कि पुलिस ने अज किन्ना पूरा एक दिन 24 घंटे होने ते आ गए ने, वो कोई किसी के घर रेड नहीं की, परचा एक खाना पूर्ति लिए दर्ज कर दिता है, एक मुंडे नू झूठे शरे मार के दाखिल करा दिता सिविल हॉस्पिटल दे विच कि ओरा क्रॉस परचा बन जाए, क्योंकि ये परिवार के मगर पैरवाई करन लई कोई नहीं हैगा, तो इन्हां दा किसी ना किसी तरीके राजीनामा हो जाएगा। असी पुलिस तो मंग करते हैं कि वह पहले नंबर पर जिहड़ा हॉस्पिटल दे विच नौजवान पिया है उन्हूं गिरफ़्तार किया जाए, दूजे नंबर से दूजे नौजवानों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने ये घिनौना काम किया है। ये घटना यह हुई है, पिंड की घटना वा, कोई चकरा नहीं, कोई लैना नहीं देना नहीं, उन्हें रफला लिया के साडे वीर ते ना साडा वीर खाली हथी आ, उन्हें रफला लिया के रफला चलाती जी साडे वीर नूं फटर करता, तो आप उल्टा परचा बनाउण डे आ कि इन्हां फैल किते आ, पिंड इंसाफ देगा भी जे अहीं फैल किते होण साडे वल्लों अहीं सज़ा दे हकदार ना जी। पहला छोटा मोटा झगड़ा होया वा साडे परिवार का नहीं, चाचे तायों साडे लगता लागे उन्हों का जीत सिंह का, तो दूसरा सुरजीत सिंह का, तू तू मैं हो ही है बस, होर कोई गल नहीं हुई, साडा कोई झगड़ा नहीं। अकाली नाल शुरू तो आप अकाली दल अकाली परिवार है शुरू तो, 40-50 वोटा साडे घर दियां अकाली परिवार दियां, शुरू तो अकाली परिवार आपां, इदों सानूं इंसाफ मिलना चाहिए साडे भरा का,
सारे गुंडिया नूं फड़ के ये सुखी दे गुंडे आ सुखी दे कहन ते काम होया जी कांग्रेस पार्टी दे बंदे आ सुखी दे बंदे रंधावे दे सुखी दे बंदे धारोवाली रंधावा सुखी ने यह गल कही है इन्हां नूं गुंडिया नूं पक्या करके घल्या वा जिन्हां दे घर रौंद रखे गए उन्हां दे घरों रौंद चलिया जी। हाँ जी सानूं इंसाफ चाहिदा जी। पोतरा एक ओदा मुंडा इन्होंने साडे वीर नू मारता नाल शीता शीत सुरजीत सिंह शीता ओदे दो मुंडे नाल तीन एक बाजा मेनू नावां दा पूरा नहीं पता एक्सीडेंट हो के मर गया सी एदे सिर ते साडा घर सी ते वी साडा लोका मारता दोषियां नू 6-7 दोषी उहनां नू फड़ना चाहीदा वा जिन्हां बंदियां ते परचा दर्ज होया उन्हां चो कोई एक बंदा जिहड़ा इत्थे आ के डेरा बाबा नानक हॉस्पिटल तों रैफर होके इत्थे आया इन्हां ने एडमिट किया इन्हां नूं पता लगा कि उह साडे ते कोई कारवाई ना करा देना इस करके इन्हां ने धरना मारिया सी डेड बॉडी लैके। मैं SMO साहब नाल गल की आ उह कहिंदे असीं स्पैशल जिहड़ा पावे बोर्ड बना पावे असीं जिहड़ा सर्जन साढ़े आले थोड़े जे अनगेज ने एक बाहर गया एक इत्थे आ उह करके असलीयत करांगे कोई गलत कार्रवाई इन्हां दे खिलाफ झूठी नहीं होएगी ये उन्हां विश्वास दा के ते उह अपनी डेड बॉडी चुके ते लै गए। गिरफ्तार जिहड़ी आ जदों मामला किसी पावे अगे पिछे दे बंदे हुंदे ही आ रेड हो रहे ने बंदे फड़ने ये जिहड़ा बंदा इत्थे आ इहदे ते असीं अपनी गर्द लाती आ ये साडी कस्टडी च आ गया ये जो डिस्चार्ज होकर रिजस्ट कर लेंगे।